पंचकुला में घग्गर के पानी के डायवर्जन होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसको लेकर सेक्टर 22 से 28 तक के लोग चिंतित हैं। इस मामले पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष एवं पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने घग्गर के किनारे पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि घग्गर का जल स्तर घट चुका है, लेकिन सेक्टर 24 से 25 के नजदीक पानी के डायवर्जन होने से भूमि कटाव और रिसाव शुरू हुआ है। इस भूमि के कटाव के चलते सेक्टर 22 से सेक्टर 28 के बीच में जो सड़क बह रही है उसे 15 से 20 मीटर दूरी पर घग्गर भी बह रही है। गुप्ता ने कहा कि प्रशासन देर रात से ही मौके पर मौजूद है और पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मेरी लोगों से अपील है कि घग्गर किनारे बना हर्बल पार्क पानी में बह चुका है, इसलिए इसमें न जाएं। ज्ञानचंद गुप्ता ने यह भी कहा कि भारत में बारिश से तबाही हुई है। हिमाचल की तलहटी में बसे पंचकुला में भी काफी नुकसान हुआ है। पंचकुला में 3 लोगों की जान तक चली गई है। एक दर्जन के करीब पशुओं की मौत हो चुकी है। पंचकुला में 1 दर्जन के करीब पल और सड़क मार्ग टूट चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात हुई है और उनसे मिलकर पंचकुला में हुए नुकसान पर जल्द काम शुरू करवाया जाएगा। पूरे उत्तर भारत के ऊपर आई थी, उस दिन भी हम यहाँ आए जी जी, और आपने देखा था कि कोई यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे तक जो ये जमीन थी, ये पार्क था, सुरक्षित था, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर जिस प्रकार से पानी का बहाव बढ़ा है, रिसाव बढ़ा है, उसके कारण जो हमारे घग्गर पार्क के सेक्टर 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये जो सेक्टर हैं इनको खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ये मिट्टी का कटाव हो रहा है वो हमारी मेन रोड जो इस सारे सेक्टर्स को जोड़ती है वहाँ तक लगभग पहुँच चुकी है। प्रशासन के सभी अधिकारी रात 9 बजे से मुझे जानकारी मिली थी यहाँ स्पॉट पर हैं। हमने पोकलेन मशीन मंगाई हैं, JCB मंगाई है, और जो इरिगेशन के अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि इसकी रोक लगा करके, वायर मैश लगा करके और पानी का जो बहाव है उसको डाइवर्ट करके इसकी तुरंत जो है वो रिपेयर की जाए। मैं समझता हूँ कि ये कुदरती, मैं कहूँगा एक प्राकृतिक आपदा जो आई है, हम सबको, सभी अपने पंचकूला वासियों को मिलकर के इसका सामना करेंगे तो निश्चित तौर पर जो प्रलय आई है वो दूर होगी और आगे इसकी रिपेयर के लिए, आगे इस प्रकार से दोबारा ना हो इसके लिए IRI की टीम जो रुड़की से जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था उसको भी हमने बुलाया ताकि ये जो संकट आया इसको दूर किया जाए। आज शाम को आप कुछ और जगह पर जा रहे हैं क्योंकि पंचकुला में काफ़ी नुकसान है सर, कई लोगों की जान भी गई है, 3 लोगों की जान जाने की जानकारी है, कुछ पशुधन का भी नुकसान हुआ है, तो आप जा रहे हैं सर लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं पहले भी वैसे गया था जी, तो लेकिन कल बाहर होने की जो व्यवस्था के कारण आज मैं गाँवों के अंदर जहाँ जहाँ भी जल भराव हुआ है या जहाँ पर प्राणों की हानि हुई है, जनता की हानि हुई है या पशुओं की हानि हुई है, उन सबसे मिलकर के वहाँ की स्थिति का भी जायजा लेंगे और जो भी सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है वो सहायता उन तक पहुँचे, ये मेरा प्रयास है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।